हेलो दोस्तों, गेट मास्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 अगस्त को पटना के टोटल 30 जो है सेंटर पे, तो उसके बारे में जो एग्ज़ाम उस वो जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैसा था और उसका आंसर की जो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और तो उससे मैच करके हमने आपसे रिस्पॉन्स मांगा था कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी थे जरूरी वो हमने आपसे मांगा था। तो आपके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जो है हमने ये वीडियो रिटेन एग्जाम में कट ऑफ के लिए कि जो आपका इंटरव्यू में रिटेन एग्जाम का जो रिटेन एग्जाम में आपने कितने मार्क आपको लाना होगा आपको ताकि आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। तो ये रिटेन एग्जाम का जो है कट ऑफ यहाँ पे हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कितना होने वाला है। उससे पहले कुछ एनालिसिस भी हम लोग करेंगे एग्जाम के बारे में, प्लस और भी जो बातें होंगी सब एक एक चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक बात बोलना चाह रहे हैं आपको कि देखिए, जो भी रिस्पॉन्स है अगर आप इंटरेस्टेड हैं फिल करने में, कभी भी रिस्पॉन्स कोई भी मांगे या हमारे तरफ से मांगा जाए या किसी और की तरफ से भी मांगा जाए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फिल करने के लिए तो ही फिल कीजिए, जबरदस्ती नहीं है फिल करने का, या फिर आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन फिल ना करें, ठीक है। ये बहुत ही खराब हैबिट है। आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन फिल करके अपना टाइम तो आप वेस्ट कर ही रहे हैं फिल करने के लिए, और साथ में सामने वाले का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमें रिस्पॉन्स मिला है उसमें बहुत सारे रिस्पॉन्स जो थे वो इरेलीवेंट थे, ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं था। और वो नंबर ऑफ क्वेश्चन में मार्क में कोई 250 नंबर लिख रहा है, कोई 200 नंबर लिख रहा है, भाई क्या मतलब बनता है उसका, ठीक है। तो ये सब काम ना करें, ये सब काम करके आप अपना टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हैं, दूसरे का भी टाइम वेस्ट कर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को आगे से। चलिए, बाकी हम लोग इस एग्जाम का जो है सबसे पहले कुछ बातें हैं, ये सब नंबर क्या है वो सब देखने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इस एग्जाम में जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, रजिस्टर्ड कैंडिडेट मीन्स जिसके लिए एडमिट कार्ड बीपीएससी द्वारा जारी किया गया था, वो था 12,563 कैंडिडेट। और पटना में टोटल ये 30 एग्जाम सेंटर पे ये एग्जाम हुआ था, और आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो था, मैं अगर एवरेज हम मान करके चले तो अटेंडेंस जो है वो उपस्थिति वो 65% थी, यानी कि अगर 100 कैंडिडेट है आपके आपका सीट अलॉटेड 100 कैंडिडेट का, तो उसमें से 65 कैंडिडेट के आसपास वहां पे प्रेजेंट थे, 65 60 से 70 के बीच में लगभग एवरेज, जो आपसे ये भी मांगा गया था कि आपके रूम में कितना अटेंडेंस था, ठीक है। तो एवरेज जो है लगभग 65% के आसपास था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कुछ नंबर दिख रहा है आपको, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो नंबर है ये 12,563 कैंडिडेट जिसका एडमिट कार्ड बीपीएससी ने जारी किया था, उसको हम लोग मान लेते हैं 12,500, ठीक है, 12,500। इसमें से जो है अगर 65% अगर देखें तो 7,500 से 8,000 लगभग मान लेते हैं, 60-65% के आसपास अगर ले तो 7,500 से 8,000 कैंडिडेट जो है एग्जाम में अपियर हुए, ठीक है। और उसमें से सिलेक्शन कितने का होना है, 230 का इंटरव्यू के लिए, ठीक है। टोटल 76 वैकेंसीज हैं, ऐसा हम लोग मान करके चल रहे हैं कि 3 टाइम्स बीपीएससी लेगा, तो ये आता है 228, ठीक है, 228 आता है। तो यहाँ पे हम मान करके चल रहे हैं कि 230 लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो, ठीक है, जिसको इंटरव्यू में बुलाया जाए। हो सकता है किसी का 2 का मार्क बराबर हो जाए तो कैंडिडेट बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से, और इस तरह से कंपटीशन देखें तो हर 35 कैंडिडेट में, ये अभी रिटेन एग्जाम की बात हो रही है यानी कि इंटरव्यू के लिए, ठीक है, हर 35 कैंडिडेट में मात्र एक का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद जो होगा, जो जिसका इंटरव्यू हुआ उसमें से हर 3 में से 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन, मतलब अगर आप देखें 7,500 से 8,000 कैंडिडेट, तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि हर 100 में से 1 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होगा, 7,500 कैंडिडेट है उसमें से 75-76 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये सब बात है, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए जो है कुछ इसके बाद हम लोग
एक जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके रिस्पांस जो हमने आपसे बोला था फिल करने के लिए रिस्पांस सीखना, उससे रिलेटेड कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो भी हम आपको शेयर कर देते हैं। इंफॉर्मेशन ये है कि टोटल हमारे पास जो वैलिड रिस्पांस, देखिए ये जो रिस्पांस तो हमारे पास लगभग 170 के आसपास आए थे, लेकिन उसमें से वैलिड जो थे वो 142, ठीक है, वैलिड रिस्पांस वहां पे हमें मिला था, ठीक है। और जिसमें जो है 120 कैंडिडेट, 142 में से 142 में से 120 कैंडिडेट जो है 100% क्वेश्चन को बबल किया था, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी था, इसीलिए हमने आपसे ये भी पूछा था कि आपने कितने क्वेश्चन को बबल किया, ठीक है। तो 142 में से 120 कैंडिडेट ने 150 यानी कि 150 क्वेश्चन को उन्होंने बबल किया था, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कुछ इंफॉर्मेशन है, जो 142 हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए थे उसमें कैटेगरी वाइज कितने रिस्पॉन्सेज थे। तो अनरिजर्व मेल के 28 रिस्पॉन्सेज, फीमेल अनरिजर्व फीमेल के 7, ईडब्ल्यूएस मेल के 9, ईडब्ल्यूएस फीमेल के 5, डीसी मेल के 47 रिस्पॉन्सेज, ठीक है, बीसी फीमेल के 8, ईबीसी मेल के 13, ईबीसी फीमेल के 4, एससी मेल के 12, और एससी फीमेल के 3, एसटी मेल के 3 और एसटी फीमेल के 1, और बाकी अदर जैसे फ्रीडम फाइटर हो गया या स्पेशली एबल्ड हो गया, डिफरेंटली एबल्ड हो गया, ये सबका टोटल 2 रिस्पॉन्सेज, ठीक है। और इसमें से जो मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन हुआ है एक ही कैंडिडेट है, ठीक है, जिसका 127.5 मार्क वहां पे मिला है, ठीक है, 127.5। तो 127.5 अगर हम देखें इसको, इसका इसका मतलब जो है लगभग ये इसका गणित जो है इसके पीछे ये हो सकता है कि 132 क्वेश्चन जो है उनके करेक्ट हुए और बाकी उन्होंने 18 क्वेश्चन जो है गलत किया। 3/4 अगर करें तो ये लगभग आएगा आपका 4.5 और इसमें से माइनस, हाँ ये 127.5, यानी कि 132 क्वेश्चन उनका सही हुआ और 18 क्वेश्चन गलत हुआ, ये ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने 150 पूरा बोल किया हो, ठीक है। तो ये सब बात है। और बाकी हाँ ये कैंडिडेट जो मिनिमम ऑब्टेन मार्क जो है वो 40 है रिस्पॉन्स में, ठीक है, रिस्पॉन्स जो हमने मांगा था आपसे उसमें मिनिमम और मार्क 40 और मैक्सिमम 127.5। और अगर एवरेज मार्क की बात करें तो एवरेज ज्यादा कुछ है देखिए, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो निगेटिव मार्किंग होने के कारण क्या हुआ है कि जो मार्क आपके आ रहे थे ओरिजिनल में वो आपके कम बहुत ज्यादा हुए, ठीक है, और मैक्सिमम कैंडिडेट ने पूरा बबल किया है, देख रहे हैं जैसे 142 में से 120 कैंडिडेट ने 100% क्वेश्चन को बबल किया है। और अगर आपके मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन सही है, ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन आपके सही हैं तो 100 मार्क आपके, अगर असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम लेंगे तो पूरा 100 मार्क आएगा, ठीक है, अगर 100 का होगा तो, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम में क्या है कि 25% जो है निगेटिव मार्किंग, 25%, 25% निगेटिव का होने का मतलब जो 50 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं वो 50/4 हो जाएगा माइनस, यानी कि आपके जो मार्क होंगे 87.5 होंगे, 12.5 नंबर गया आपका, ठीक है। तो ये सब बात है, इसीलिए जो है मार्क यहाँ पे ज्यादा नहीं उठ रहा है, ठीक है, और जो कट ऑफ है वो भी बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये सब देख करके जो एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, निगेटिव मार्किंग और बाकी जो भी है सबको एनालाइज करने के बाद, नंबर ऑफ कैंडिडेट हो गया, कितने सीट से, सबको एनालिसिस सबका करने के बाद हम लोग जो है फाइनली अब कट ऑफ की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा इंटरव्यू के लिए वो हम लोग देखते हैं। उसको देखने से पहले हम आपसे बोलना चाहेंगे, अगर आप मान लीजिए बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर अभी कंप्यूटर साइंस का आने वाला है, ठीक है, लेक्चरर भी सिविल का आने वाला है, कंप्यूटर साइंस का आने वाला है, ठीक है, तो ये सब, या असिस्टेंट इंजीनियर अभी एग्जाम होने वाला है सितंबर में, 20-22 सितंबर को,
ठीक है, तो ये जो एग्जाम है, अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी जेई का भी एडवर्टीजमेंट आ गया है, एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, या भी बाकी कोई भी एग्जाम इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपको जो है क्रैश कोर्स चाहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चाहिए, तो हमें आप जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कीजिए। ये हमारा नंबर है, ठीक है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप जो है हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट भी आपके लिए एकदम न्यू जो वेबसाइट है वो यूआरएल वही है, getmaster.org, ठीक है, getmaster.org, ये हमारा वेबसाइट है, इस पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपका, देखिए इस एग्जाम के लिए क्या किया गया है कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए खासकर जो टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो इस ट्यूजडे यानी कि 13 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी इसका स्टार्ट हो रहा है ट्यूजडे से। तो इस तरह से जो है, और इसका असिस्टेंट इंजीनियर का हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर सीएसई के लिए मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स अवेलेबल है। और इसका जो टेस्ट सीरीज है वो आपका आएगा जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर getmaster.org वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर गेटमास्टर का मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी जरूरी का जो भी लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, आपके जितने भी मार्क आ रहे हैं, कट ऑफ जो भी है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आपको जो है एग्जाम आपका इंटरव्यू का आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अगर हो सकता है कि देखिए ये जो कट ऑफ यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, ये टोटली जो है आपके रिस्पांस पे बेस्ड है, ठीक है, रिस्पांस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन योर रिस्पांस, ठीक है, बेस्ड ऑन योर रिस्पांस, ठीक है, टोटली टोटली। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि यही जाएगा कट, हमारे तरफ से एक्यूरेट हम अपने एंड से करने की कोशिश किए आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं है कि यही जाएगा कट ऑफ, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका रेंज में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, रेंज से होगा तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका थोड़ा बहुत नीचे भी है तब भी हम आपको बोलेंगे कि आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट जिसके अच्छे मार्क आ रहे हैं वही फिल किए होंगे, ये भी तो हो सकता है ना, वही रिस्पॉन्स शीट फिल किए होंगे, तो ये भी हो सकता है। तो बाकी इस सब बात को ध्यान में रखते हुए आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, ऐसा नहीं है कि जब तक आपका रिजल्ट तो आपको उम्मीद है तब तक आप इंटरव्यू का, क्योंकि प्रिपरेशन जो होता है कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, अगर इसमें नहीं हुआ तो नेक्स्ट में वो काम आएगा, ठीक है, कभी ना कभी वो काम आएगा, बट इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी जब रिटर्न का रिजल्ट आएगा तो हम लोग उसके लिए जो है इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए जो है मॉक इंटरव्यू तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मॉक इंटरव्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये फिक्स है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, तो बाकी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो भी कट ऑफ है कैटेगरी वाइज उस। सबसे पहले यूआर मेल की बात करते हैं, यानी कि अनडिजर्व कैटेगरी के मेल की, तो ये जाने वाला है 95 से 100 के बीच, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो ये 75 to 80 रहने वाला है, ठीक है। बीसी मेल की बात करें तो 90 to 95, बीसी फीमेल की बात करें तो 70 to 75, ठीक है। चलिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल की बात करें तो 80 से 85 के बीच में इसका कट ऑफ रहने की उम्मीद है, और ईडब्ल्यूएस के फीमेल की बात करें तो ये 60 से 65 के बीच में रहने की संभावना है, ठीक है। ईबीसी मेल की बात करें तो ये 80 से 85 के बीच में इसका कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। और ईबीसी फीमेल की बात करें तो ये 60 से 65 के बीच में होने की, ठीक है। एससी मेल की बात करें तो ये 65 से 70 के बीच में ही रहेगा, और एससी फीमेल की बात करें तो ये 50 से 55 के बीच में हो सकता है, ठीक है। एसटी मेल की बात करें तो ये यहाँ पे 70 से 75 के बीच में जा सकता है, एससी से थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा रहे, ठीक है। और एसटी फीमेल की बात करें तो ये 50 से 55 के बीच में ही रहे। बाकी
अदर कैंडिडेट की बात करें तो ये 50 से 60 के बीच में रहेगा। अदर में वही जो हमारा डिफरेंटली एबल्ड हो गया और फ्रीडम फाइटर, ठीक है, ग्रैंड सन ऑफ, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन ऑफ फ्रीडम फाइटर, ठीक है, ये लोगों के लिए जो 50 से 60 काउंटर है, ठीक है। ये जो है आपके सामने कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। उम्मीद करते हैं आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा अगर लिमिट से ज्यादा अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो रहा है तो हम आपसे फिर से यही बोलेंगे कि आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन, ठीक है। तो रिटेन के रिजल्ट के लिए आपको गुड लक, बाकी इससे रिलेटेड अपडेट जो भी होगा हम लोग रेगुलर लाते रहेंगे, और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चर का प्रिपरेशन करते हैं तो हमें कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए। गेट मास्टर का ऑफिशियल वेबसाइट जो gatemaster.org है उस पर आप जाइए, गेट मास्टर का ऐप इंस्टॉल किए ही होंगे तो उस पर आप विजिट कर सकते हैं कोर्स के सेक्शन में, आपको जो भी कोर्सेस चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बाकी कोई भी बातें, अब अगर कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा नीचे लिखा हुआ है देख लीजिए, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो वीडियो में के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।